नमस्कार, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी वीडियो क्रमांक 11 को आज हम देख रहे हैं। अभी जो हमारे लगातार 5-6 वीडियो जो आ रहे हैं वह हिंदी रचना से, और हिंदी रचना का जो ये आज का पाठ हमारा है वह छठा प्लग है, जो विषय हिंदी रचना में कक्षा चतुर्थी में विशेषण से। अब यहां पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को हम देखते हैं। दो लाइन का गद्यांश है ये, इसको थोड़ा पढ़ेंगे फिर समझेंगे। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, भगवान श्री राम के दो पुत्र थे लव कुश। लव कुश बहुत सुंदर बालक थे, माता सीता उनको बहुत प्यार करती थी। गोरे रंग वाले दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे। तो यह गद्यांश रामायण काल से लिया गया है, और आज हमारा जो पाठ है वह विशेषण से संबंध है, तो थोड़ा सा जोर देंगे इस गद्यांश के वाक्य पर। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, कितने? दो पुत्र। अब उनके जो लव कुश अर्थात नाम आए हैं, लव और कुश, इनके इन्हीं दो पुत्रों के नाम थे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, लव कुश बहुत सुंदर बालक थे। यहां पर उनकी सुंदरता का बात हो रही है। माता सीता यानी किसकी माता है ये? लव कुश की माता। माता सीता उनको बहुत प्यार करती थी। किनको वो प्यार करती थी? लव कुश को। एंड जो माँ थी माता सीता, जो लव कुश की माता सीता है, वह उन बच्चों से प्यार करती, दोनों भैया से प्यार करती। गोरे रंग वाले दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे, यानी जो उनका रंग था वह कोरा था और वह सबको प्यारे अच्छे लगते थे। इस प्रकार का यह दो पंक्ति का हमारा एक गद्यांश, इससे कुछ प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे, और आप उत्तर दे सकते हैं कि पहला ही प्रश्न, भगवान राम के कितने पुत्र थे? और इस गद्यांश का पहला ही जो वाक्य है वह उससे उसमें उत्तर साफ साफ लिखा है कि भगवान श्री राम के दो पुत्र थे। प्रश्न था भगवान राम के कितने पुत्र है। यहां पर भगवान राम के दो पुत्र सीधा उत्तर बन रहा है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, लव कुश कैसे बालक थे। यहां पर सामान्य तौर से लव कुश बहुत सुंदर बालक थे, अर्थात हमें सीधा उत्तर दूसरे का यहां आ रहा है, लव कुश सुंदर बालक थे। तीसरा प्रश्न है, लव कुश का रंग कैसा था। और इसी गद्यांश में आगे बढ़ते हैं तो चौथे वाक्य में लिखा है, गोरे रंग वाले दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे। यहाँ पर गोरा रंग साफ सीधा उत्तर मिल रहा है, लव कुश का रंग गोरा था। अब एक और प्रश्न इसी में है, चौथा प्रश्न दिया है कि दोनों कुमार सभी को कैसे लगते थे। यहाँ पर लिखा है कि गोरे रंग वाले दोनों कुमार कौन? लव और कुश। लव कुश यानी दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे। यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं, दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे। इन चारों प्रश्नों को पढ़कर और इसी दो पंक्ति के गद्यांश में से हम उसके उत्तर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो पाठ हमारा है विशेषण, अब एक बात है कि एक पांचवा प्रश्न और दिया है कि उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। यदि हमारे को इनके उत्तर मैंने एक पूरी पंक्ति में दी है, यानी जो वाक्य है वाक्य के अंदर वाक्य के साथ में मैंने उत्तर दिया है, यानी जैसे ये आपको देखेंगे तो यह भूतकाल का प्रश्न था, तो भूतकाल में मैंने उत्तर दे दिया कि कितने पुत्र थे, तो मैंने भी उत्तर दे दिया कि
भगवान राम के दो पुत्र थे, यानी मैंने उत्तर भूतकाल में दे दिया, पूर्व में थे, अभी वर्तमान में है नहीं, इसलिए भूतकाल हो गया। अब लव कुश कैसे बालक थे, वापस भूतकाल है, तो प्रश्न भी अपना भूतकाल में आया, तो मैंने उत्तर भी क्या कर दिया, लव कुश सुंदर बालक थे, यह भी भूतकाल में दे दिया। लव कुश का रंग कैसा था, यह भी भूतकाल का प्रश्न है। लव कुश का रंग गोरा था, यह भी भूत, इससे एक तो काल का पता चल गया, सारे प्रश्न भूतकाल के है। दोनों कुमार सभी को कैसे लगते थे, दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे, ये भी भूतकाल का प्रश्न है। अब वो बोला एक एक शब्द में, तो यहाँ पर उनके पूरे वाक्य में मैंने उत्तर लिखा है, यहाँ पर एक एक वाक्य में एक एक शब्द में, जैसे पहले प्रश्न भगवान राम के कितने पुत्र थे, तो एक शब्द में उत्तर देना है, तुम्हारे पास उत्तर आ जाता है, कितने पुत्र थे, हम छोटे भैया बहन पढ़ रहे हैं तो सीधे उत्तर मिल जाता है कि दो पुत्र थे। यानी पहले प्रश्न का उत्तर हम ये भी दे सकते थे केवल दो, और यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है कि पहले प्रश्न का उत्तर दो होता है। अब दूसरा प्रश्न है लव कुश कैसे बालक थे, और लव कुश सुंदर बालक थे, ये हमें साथ और ये सुंदर शब्द यहाँ से उठा के देखते हैं, तो दूसरे का उत्तर एक शब्द में देना है, तो हम सुंदर लिख सकते हैं, लव कुश सुंदर बालक थे, लेकिन एक ही शब्द में उत्तर देने का मांगता है वो, तो क्या लिखेंगे, सुंदर, और मैंने लिख भी दिया है कि सुंदर। तीसरा प्रश्न है लव कुश का रंग कैसा था, और यहाँ पर गोरे रंग आया है, यानी गोरा, यहाँ पर तो तीसरे प्रश्न का रंग प्रश्न है कि लव कुश का रंग कैसा था, तो गोरा रंग था, यानी गोरे सीधे लिखेंगे, एक शब्द में लिख सकते हैं। और दोनों कुमार सभी को कैसे लगते थे, दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे, तो यहाँ से अच्छे हम उठा के ये जो एक शब्द में उत्तर लिखना है तो ये अच्छे हो गया। अब ये दो है, सुंदर है, गोरा है, अच्छे है, ये जो शब्द है हमने पहले पूर्व में संज्ञा पढ़ी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने पूर्व में पढ़ा। उसके बाद हमने क्रिया पढ़ी, किसी काम का करना या होना या पाया जाता है वह क्रिया। फिर लिंग मिला, स्त्री या पुरुष जाति का, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो तो वह लिंग कहलाता है। और फिर हमने वचन पढ़ा था कि जिन संख्या पद से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है वह वचन है। अब आज हमारा जो प्रकरण है वह विशेषण, कल हमने जो अगले वीडियो पढ़ा था वो पढ़ा था सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये बात हमने अगले वीडियो में पढ़ी थी। यहाँ पर दो बातें इसमें सॉरी है कि अब विशेषण जो ये सारे विशेषण है, दो सुंदर गोरा अच्छे, तो क्या बोले संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था के नाम को संज्ञा, फिर क्या कह रहे हैं, और सर्वनाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या पुनरावृत्ति को संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति का दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द है। तो इन दोनों के शब्दों की जो है विशेषता प्रकट करने वाले, यहाँ पर विशेषता कि राम है जैसे, तो जो विश्वपुत्र है यह संज्ञा, इनकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द है वह क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे क्या क्या विशेषता, गुण की विशेषता बता सकते हैं, संख्या की विशेषता बता सकते हैं, वो तोल माप है जो तोल है वह आप उसकी विशेषता बता सकता है, मात्रा की विशेषता बता सकता है, संकेत के माध्यम से हमें विशेषता का गुण करा सकते हैं, किस्म के आधार पर भी हो सकता है, और भी अनेक प्रकार है। तो हमारी संख्या, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसमें संख्या सर्वनाम की और संख्या की इन दोनों की विशेषता जो बात निकल कर आ रही है, इन दोनों शब्दों के अंदर जो विशेषता निकलती है वह विशेषण कहलाता है। अब ये कैसे विशेषण के देखे तो विशेषण गुण में निकल जाता है, जैसे मीठा है, खारा है, कड़वा है, इस प्रकार के शब्दों को इसका गुण समझ के बता सकते हैं। संख्या के आधार पर जैसे एक दो तीन पांच पंद्रह, दूसरा तीसरा पांचवा, इस प्रकार की संख्या का ज्ञान
के लिए जहां आई आता है वाक्य में तो वो आधार भी होता है संज्ञा के तौर पर। फिर तोल, एक किलो, दस किलो गेहूं, दो किलो शक्कर, पांच किलो आटा, इस प्रकार का जो भाव यानी यहाँ ये शब्द आता है तो तोल के माध्यम से भी हम विशेषण को समझ सकते हैं या उसके बारे में ध्यान कर सकते हैं। मात्रा में भी यही आता है, एक लीटर दूध, पांच लीटर दूध, चार लीटर तेल, एक लीटर केरोसिन, इसका मात्रा में भी संकेत के माध्यम से भी समझ सकते हैं या वह इसका संकेत के माध्यम से भी किस्म है जैसे बीकानेरी भुजिया है, उदयपुरी सेब है, इसका के संकेतों के किस्म के बारे में भी हम विशेषण को परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे कुछ मैंने लिखे, मीठा है, बड़ा है, मीठा मीठा के साथ में जैसे और भी आ सकते हैं, मैंने बताया खारा है, कड़वा है, इस तरह के बड़ा को छोटा, हाँ लंबा चौड़ा, फिर दूसरा तीसरा पांचवा सौवा पांचसौवा, हाँ कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया भैया ने इसका दो मीटर से। तो अखिलेश को सच या कमी सीने में दो मीटर तक कपड़ा चाहिए, इस प्रकार के अनेक उदाहरण जैसे उदाहरण आगे तो विशेषण को समझ सकते हैं। पांच किलो जैसे चाय बनाने के लिए पांच किलो शक्कर लेके आइए, इस प्रकार का कोई भी उदाहरण आ सकते हैं। एक लीटर दूध में एक लीटर दूध की चाय बनाइए, इस प्रकार के एक लीटर दूध ले लीजिए, यह संकेतों के माध्यम से भी कि यह बीकानेर है, यह लड़का है, इसका जो संकेत के माध्यम से विशेषण की परिभाषा कर सकते हैं। और भोजपुरी ऐसा कुछ शब्द लिखा है तो भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं या इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो आज के इस पाठ में हमको यह देखने को मिला कि विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वह विशेषण कहलाता है। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से दे दिए जाएंगे और कुछ प्रश्न तो आपको हल के लिए दिए जाएंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको प्रश्न पीडीएफ फाइल में सीधे उत्तर भी भेज दिए जाएंगे। नमस्ते।